सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम नॉन मुस्लिम तुलबा तालिबात की भी सुनी गई। पंजाब हुकूमत का नॉन मुस्लिम तुलबा को स्कॉलरशिप्स देने का फैसला सामने आया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जी जुनेद, क्या क्राइटेरिया होगा? जी बिलाखर नॉन मुस्लिम तलबा की भी सुनी गई। सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम नॉन मुस्लिम तलबा के लिए भी स्कॉलरशिप मुख्तस करने का फ़ैसला किया और इस हवाले से हुकूमत ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटी से डेटा मांग लिया है और बच्चों को जो कि नॉन मुस्लिम होंगे उनको तहसील की सतह पर जो है मुंतखब किया जाएगा और उनको मुंतखब जो है उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर और हाज़िरी की बुनियाद पर जो है मुंतखब किया जाएगा। हर तहसील से 5 नॉन मुस्लिम तलबा का इंतखाब किया जाएगा और जिनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा और उनकी फ़ीस और बकाया जो मामलात होंगे वो हुकूमत चलाएगी और इस हवाले से उनके वालदैन के लिए जो है वो रोज़गार का इंतज़ाम भी करने के हवाले से इकदाम जो हैं पंजाब हुकूमत करेगी। इस हवाले से अथॉरिटीज़ को कहा गया कि वो फौरी तौर पर जो डाटा है नॉन मुस्लिम तलबा का वो सरकारी स्कूलों से इकट्ठा करके फराहम करें ताकि स्कॉलरशिप की जो रकम है हुकूमत की जानब से वो मुख्तस की जा सके और ये रकम जो है एजुकेशन अथॉरिटीज़ के अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी जहाँ से इन नॉन मुस्लिम तलबा का इंतखाब करके डिस्ट्रिक्ट में उन बच्चों को तहसील की सतह पर कैश इनामात भी दिए जाएंगे और उनका जो है खर्च भी जो है वो उठाया जाएगा। इस हवाले से जो स्कूल सरबराह डाटा करेंगे